和曹操讨论大的事儿，就是你这些人说的话，你啊，以前我们什么对策都要有条理，对不对啊？那我们肯定是没拿到的，你你现在把这些事可能解决开，主要呢是到哪里？哪个县在哪里？也是到哪个市里？因为咱们是因为稳固抓住当下。你上面你比我们上面从几千人到五六百人的市场上面去，如果在这个上面的地方，把地区上面的地带要做好，再要上面，啥东西，你这上面要有一个东西，就搞来了啊，哎，我们老百姓们搞来了，我讲，我跟你讲，最近那里我们跟你一家人，你这个在今年比较上手，是好了，我们要跟你们说，一家人跟你聊的，哎。और आपको मैं बताना चाहता हूँ, तुमने जो ध्यान में मैं इस साथ में महत्व को ध्यान में रखते हैं, यूरोपीय धर्म पागल वेला की स्थापना की, जो सामूहिक देश हाईवे के प्रतिष्ठा तैयार करना, तथा उसकी क्षमता और उपयोग करके लोगों को नियोजित करना, मैं समझता हूँ यूरोपीय धर्म बन गए, जम्मू कश्मीर में ये धर्म काम करे, जम्मू कश्मीर के लोगों को स्वस्थ रखे, आपकी आवश्यकता नहीं हो सब जगह इस तरह की कोशिश मुकदमी है. अमेरिका के सालों में भी आप देखेंगे युवा प्रतिष्ठा बहुत सालों में भी आएंगे, बहुत सारे लोगों ने कैलिफोर्निया कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा का नाम आपने से दोनों उम्मीदों में सुना होगा. 1889 1989 में यह ऋतु साल घटना होती है और आयुर्वेद भाषा के अनुपस्थ हैं तो शरीर का भी पता हमें नहीं लगता. शरीर का पता तब लगता है जब हम अस्वस्थ किया और फिर बात कही जाती है कि पैसे से दवा खरीद जा सकती है, स्वास्थ्य नहीं खरीद जाती. मुझे लगता है कि स्वास्थ्य या स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद और योग में ज्यादा काम होगा, ज्यादा फलदायक होगा, तो दिशा में आगे बड़ा कदम यहाँ उठाया गया. आयुर्वेद को परिभाषित करते हुए श्री मुनियों ने लिखा कि स्वास्थ्य का मतलब यह है कि शरीर का पता न चले, शरीर का आभास न हो, आयुर्वेद की परिभाषा में मूल होना. मैंने देखा पहले कहा कि अगर कोई बीमारी है तभी पता चलेगा कि शरीर है और शरीर के किस अंग में दिक्कत हो रही. आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के पीछे जो दर्शन मैं समझता हूँ वो हमारी संस्कृति का एक अंग है. ओम गणनंतवा गणपति गुंगवा महे प्रियानंतवा स्टूडेंट्स फाइनल कम स्टूडेंट्स.